ने 100 शत्रु बताए। वेदों में वर्णन है एक जीव के 100 शत्रु हैं। पहला शत्रु प्रमाद है, आलस्य, और दूसरा भी प्रमाद है, आलस्य, और तीसरा भी प्रमाद है, आलस्य, और 100वां, 99वां, 98 वाला भी यही है। 1 से 100 तक यही चीज है जिस पे जोर देके कहा गया है कि ये मत करना। ये इतना व्यापक है कि सती शिव भार्या उसको भी इसने जकड़ लिया। सती के कुछ हाथ नहीं लगा। भारी बारिश हुई, पूरी धरती जलमग्न होने लगी, घरों में पानी चला गया, मोहल्लों में पानी, सब नाली, खेत, नाले, नदियां उफान पर हैं। लेकिन एक घड़ा एक आंगन में रखा है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं गया, एक बूंद पानी नहीं गया। पूरे वृक्ष जल से नहा रहे हैं, नदियां उफन रही हैं, पूरा जलमग्न हुई जा रही है धरती, सारे खेत खलिहान बाजार घरों में पानी घुसाया, लेकिन आंगन में एक मटका रखा है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं गया। किसी ने पूछा कि भला इसमें क्यों नहीं गया एक बूंद भी पानी? बोले ये उल्टा रखा है, ये मटका उल्टा रखा है। पानी जाने की पहली शर्त है कि मटका सीधा होना चाहिए। यदि तो आप कथा श्रवण कर रहे हैं और मन के कपाट नहीं खोले, औंधे पड़े हैं, तो भैया हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। बतंगड़ की एक लिस्ट और बढ़ जाएगी कि भैया कितनी कथा सुनी, 11 सुन ली। इसमें नया कुछ भी नहीं है। यदि तो आप अपना भाव नहीं खोल पाए, अपना मोह नहीं छोड़ पाए, छोड़ दो इस कुंभ में कि इस कुंभ में ये व्रत लेता हूं, अब केवल सब तज करूं, भजन दिन राती, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुख दिया है तो भोजन तो वो देगा ही देगा। नदी दौड़ी चली जा रही है बड़े जोर से, वहां हिमालय से गिरी पर्वत और चट्टानों को काटती हुई, अनेकों खनिजों को साथ में लेकर नदी दौड़ी जा रही है। न जाने कितने भूभाग को प्लावित करती हुई, न जाने कितने लोगों के कंठों को तृप्त करती हुई। किसी ने पूछा नदी तू कहां जा रही है? बोली मैं सागर बनना चाहती हूं, मैं सागर से मिलना चाहती हूं, मैं सागर से मिलने जा रही हूं। भरे निरंतर होए न पूरे, जिनके श्रवण भये समुद्र समाना। मुझे कथा सुनने के लिए कितने प्रथु ने मांगे, कितने कान, मुझे हजारों कान दे दो। ईश्वर से मांगी कि मैं कथा सुनूं। भरे निरंतर होए न पूरे, जिनके श्रवण भय समुद्र समाना। ऐसा विशाल हृदय लेके जब आप बैठेंगे तब उस ब्राट को ग्रहण कर पाएंगे। संकुचित हृदय कुछ नहीं ले पाएगा, वो तो बस इतनी चर्चा कर पाएगा कि ब्यास जी ने कपड़े कैसे पहने, लड्डू कैसा जर रहा था, और वहां पे ब्राह्मण कैसे बैठे थे, भीड़ आई कि नहीं आई थी। संकुचित हृदय कुछ नहीं कभी ग्रहण कर पाता। विराट हृदय लेके जो आया है वो विराट को साथ लेके जाएगा। ये कथा सुन के आई है, आगे गुरुओं ने सुनाई शिष्यों को, फिर वो जब गुरु बने उन्होंने शिष्यों को सुनाई। अखंड प्रचंड दृढ़ निश्चय और विश्वास चाहिए। कैसी अटित भक्ति रही होगी भागीरथ की कि पहली पीढ़ी से कहा कि गंगा आएगी, वहां जाके तपस्या करो। चर्चा नहीं है कहीं, किसी को नहीं पता है कि स्वर्ग में गंगा है कि नहीं, वैकुंठ में गंगा है कि नहीं, और गंगा कैसी होती है। केवल गुरु ने कहा है कि तू जाके वहां पुकार, वो जरूर आएगी।
तो गुरु के प्रति श्रद्धा कि एक बालक वहां पहुंचा है, युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया और अंत हो गया, और अंत होने के बाद आसन खाली होने से पहले दूसरी पीढ़ी वहां पहुंच गई और दूसरी पीढ़ी बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, प्रौढ़ हुई, अंत हुआ। अभी तक पता नहीं, कोई सूचना नहीं लगी है कि आखिर में गंगा आनी है कि नहीं आनी है, लेकिन चौथी पीढ़ी तक गुरु वचनों में विश्वास रख के वो लगे रहे तो भागीरथ आई। भागीरथ को सौभाग्य मिला और वो भागीरथी आई। तो जब ऐसा श्रद्धा और विश्वास जिसमें संशय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो जो है नहीं, गुरु ने कहा कि तू राजा बनेगा, तेरे भाग्य में नहीं है राजा बनना, पर यदि तो गुरु के वचन में तेरा अखंड विश्वास है तो ईश्वर को अपना नियम बदलना पड़ेगा, तुझे तो राजा बनना पड़ेगा। तो ऐसा भारी विश्वास लेके तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा कब सुने, जीवन में ऐसी कोई गांठ उपज आती है, तप्त जीवनम, किसी ने कुछ अपमान कर दिया, कुछ हम करना चाहते थे, होना चाहते थे, वैसा हो नहीं पाए, अवसादों ने हमें घेर लिया, तब तप्त जीवनम, जब जीवन में तपिस आ जाए, तपने लगे, स्ट्रेस आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, घेर ले और कोई रास्ता समझ में ना आए, तो भैया यहां सारे समाधान मिलते हैं। आपके पास कोई एक प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर कृष्ण गीता में दे के न गए हो, हर प्रश्न का उत्तर है उसमें, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि और विश्वास के कान होंगे तो हाथ आवेगा। एक जो जीवन का आवरण जिसे लेके मन में बड़े विकृत विकृत भाव है, जैसे उगरई बिमल बिलोचन ही है कि मन के कपाट खुलते हैं और समझ में आया कि नारायण के अलावा जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है, जगन मिथ्या है, ये जगत नष्ट होने वाला है, फूल सेवर को हाथ नहीं आएगा, लेने जाओगे उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं पकड़ पाया कोई, कथा का कोई नियम नहीं है, कोई मंत्र जप प्रतीक्षणा नहीं करनी, कोई जप तप नहीं करना, एक ही नियम है, श्रवण श्रवण श्रवण, केवल सुनना है। लेकिन केवल सुनना यह आसान नहीं है, जप तप से ज्यादा कठिन है। माला तो आप 11 कर दोगे अपनी उंगलियां से घुमा घुमा के, चाहे माला चल रही हो, निगाह जूतों पे है, लेकिन जब तक पूरा कंसंट्रेशन फुल माइंड आपका यहां नहीं है तो आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। ये जब तक प्रतीक्षणा तो नहीं है, पर ये उनसे बहुत ऊंची स्थिति है, श्रवण आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि युवावस्था में हमें कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, वृद्धावस्था में सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यकता युवाओं को कथा सुनने की है, बालकों को कथा सुनने की है, उतनी आवश्यकता वृद्धों को भी नहीं है।